वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। हर यूनिट से मैं आप लोगों को कुछ कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगी जो कि काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं, 2021 के एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और जैसा कि आपको पता है, मैक्सिमम नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल में ही मिल जाएंगे। बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वहां पे सारे नोट्स आप लोगों को जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम बस एक छोटा सा एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी जो है वो पिछले 5 से 6 सालों के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उससे कीजिए। हालांकि यहाँ पे मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, उसकी तैयारी तो आप लोगों को करना ही है, साथ में आप लोगों को पिछले 5 से 6 सालों के जो क्वेश्चन पेपर है उनसे आप लोगों को तैयारी करना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पिछले 6-7 सालों के क्वेश्चन पेपर से ही लिए जाते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम क्वेश्चन नंबर 1, फिनॉल के अम्लीय गुणों को समझाइए। यहाँ पे हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल एंड फिनॉल चैप्टर से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फिनॉल के अम्लीय गुणों को समझाइए, एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। इसका भी नोट्स बना हुआ है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर पूछे गए हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को जैसा कि हमेशा से बताता ही हूँ, नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन ऐसा है जो कि हर साल 3 से 4 नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो आते ही है। ये मान के चलिए इस बार के एग्जाम में भी नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो आएगा ही आएगा। आपको हर यूनिट से मैं आप लोगों को कम से कम 6 से 7 ऐसे नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन बता रही हूँ जिसकी तैयारी आपको करना ही है। पहला है यहाँ पे क्लेजन पुनर्विन्यास, क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के लिए आपको आते हैं और इसमें आपको मैकेनिज्म भी लिखना होता है, केवल आप रिएक्शन लिख करके नहीं आ सकते, आपको पूरा मैकेनिज्म भी लिखना होता है। तो पहला है आपका क्लेजन पुनर्विन्यास, क्लेजन रीअरेंजमेंट। सेकेंड है आपका हुबेनहॉस अभिक्रिया, हुबेनहॉस रिएक्शन। गाटरमैन संश्लेषण, गाटरमैन रिएक्शन। फ्रीज पुनर्विन्यास, फ्रीज रीअरेंजमेंट। कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे स्मिट रिएक्शन। रिमर टीमन रिएक्शन, रिमर टीमन रिएक्शन। तो कहने का मतलब है कि ये सारे नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर एक आध छूट गए होंगे तो वो भी आप लोग देखिएगा, लेकिन नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास समझाइए, एक्सप्लेन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है पिनाकोल पिनाकोलोन, वेरी इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर में है ग्लाइकोल की रासायनिक अभिक्रिया और ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रिया, मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोल। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल दो ऐसे टॉपिक है आपके अल्कोहल चैप्टर से जिसमें से मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो पूछे गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल बनाने का जो मेथड है, उसका केमिकल रिएक्शन है, सब चीजों को आपको देखना है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन है वो बीच बीच से पूछे जाते हैं। तो ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप दोनों की तैयारी जो है वो अच्छे से कीजिएगा अगर आप चैप्टर 1 की तैयारी कर रहे हो। अब बारी आता है शॉर्ट नोट्स की, जो शॉर्ट 1-1 मार्क्स के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, उसके लिए आपको पिछले 5 से 6 सालों के अपने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स को जो है वो रीड करना है। तो चलिए हमारा यूनिट 1 तो कंप्लीट होता है, अब हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। यूनिट 2 में है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन से पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, रिएक्शन विथ मैकेनिज्म। फिर से यहाँ पे मैं आप लोगों को नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन बता रही हूँ, 2-2 मार्क्स लिए आपको आते हैं। पहला बेंजोइन संघनन, बेंजोइन कंडेंसेशन। सेकंड है कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो रिएक्शन। परकिन अभिक्रिया, परकिन रिएक्शन। नोएंजल अभिक्रिया, नोएंजल रिएक्शन। वोल्फ क्रिस्नर अपचयन, वोल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। गाटरमैन कोच अभिक्रिया, गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये सारे आपके नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कार्बोनिल समूह की ध्रुवणता एवं संरचना को समझाइए, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। 3rd नंबर का क्वेश्चन है एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन बता रही हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन और हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये सारे क्वेश्चन है गाइस आपके यूनिट 2 से। अब चलिए हम यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नोट्स में मैं आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है वो 2 पार्ट है ना, तो केवल एक ही पार्ट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, दूसरा पार्ट भी मैं आप लोगों को जल्द ही बताऊंगी।
यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको रिएक्शन विथ मैकेनिज्म लिखना है HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसकी तैयारी जरूर कीजिएगा। क्लेजन संघनन, क्लेजन कंडेंसेशन, रोजेन मुंड अपचयन, रोजेन मुंड रिडक्शन, कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शन को आप चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एस्टरीकरण से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टरीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्ली प्रबलता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों पर उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, राइट द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी अम्लों पर ताप का प्रभाव लिखे, राइट द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अल्फा बीटा एंड गामा हाइड्रोक्सी एसिड। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके यूनिट 3 से कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से। और जो जो मैंने नोट्स बताया हुआ है वो सारे नोट्स को आप प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी नोट्स मैंने बताए हुए हैं सब इम्पोर्टेंट ही है। अब चलिए यूनिट 4 हम स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे भी आपको मैं कुछ नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन बताती हूँ, रिएक्शन विथ मैकेनिज्म जो कि काफी ज्यादा एग्जाम में रिपीट हुए हैं। पहला है गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया, व्हाट इज गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। एजो युग्मन, एजो कपलिंग, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, कार्बिलेमिन रिएक्शन। शॉर्ट नोट्स में आपको पूछे जा सकते हैं TNT क्या है और एमिन की त्रिविम रसायन, स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ एमिन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नाइट्रोबेंजीन का अम्ली एवं क्षारीय माध्यम में अपचयन बताइए, डिस्क्राइब द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, राइट द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंसबर्ग की विधि के द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन के मिश्रण का पृथककरण कैसे करेंगे, हाउ कैन अ मिक्सर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटेड ऑफ हिंसबर्ग मेथड। हाउ कैन अ मिक्सर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन बी सेपरेटेड ऑफ हिंसबर्ग मेथड। तो ये है आपका यूनिट 4 से। अब चलिए हम यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। बस आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये याद रखिएगा, जितने नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन है अभी से तैयारी करो, पूरा आपका नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन ही ज्यादा आते हैं एग्जाम में। यूनिट 5 से हम देख लेते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड चैप्टर से देख लेते हैं। शॉर्ट नोट्स में आपका ज्विटर आयन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिट 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ज्विटर आयन को चेक कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, सम विभव बिंदु, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, थायोफिन की एरोमेटिकता, एरोमेटिसिटी इन थायोफिन, फिशरिल्डोल संश्लेषण, फिशरिल्डोल सिंथेसिस, एमिनो अम्लों की त्रिविम रसायन, स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 है, विभिन्न एमिनो अम्ल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव लिखिए, राइट इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डिफरेंट अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 है, विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण सही समझाइए, व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्क्रॉफ संश्लेषण क्या है, व्हाट इज स्क्रॉफ थिंसेसिस। पीरिडीन क्या है, पीरिडीन के बारे में एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पीरिडीन का आप हर चीज जो है वो अच्छे से पढ़ना, चाहे उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो, उसका चाहे केमिकल रिएक्शन हो, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है, इसका जो है वो काफी ज्यादा पूछे गए हैं। पीरिडीन का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 2 से 3 मार्क्स के लिए जो है वो पूछे गए हैं, व्हाट इज पीरिडीन, केमिकल रिएक्शन, सारे चीजों को आप पीरिडीन का खास करके अच्छे से देखना। आपके इस चैप्टर में थायोफिन भी है, वो भी आप चेक कीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चन है गाइस, और जितने भी इसके केमिकल रिएक्शन है वो तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, आपको अनसॉल्ट से इसका जो है वो प्रिपेयर करना है। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स थे आप लोगों के लिए BSc सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो जो है वो जरूर बनाऊंगी, और हो सकेगा तो शॉर्ट नोट्स के लिए भी मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर बताऊंगी। बट हर यूनिट से आपको इतने क्वेश्चन की तैयारी जो है वो जरूर करना है। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।